मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में कई कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा किसान की मर्जी है चाहे वह कहीं भी अपना उत्पादन बेचे। इस दौरान शिवराज ने घोषणा करते हुए कहा कि मंडी किसी भी कीमत पर मध्य नहीं की जाएगी। इसके साथ ही मंडी शुल्क भी घटा दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई और कदम उठाए हैं। किसानों के हित को देखते हुए 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। पहला किसान कानून ये है कि किसान की मर्जी, वो जहां चाहे अपनी फसल बेच सकते हैं, वो चाहे मंडी में बेचें या कहीं और, किसान को जहां ज्यादा फायदा दिखे वहीं अपनी फसल को बेचें। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा कि मंडी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी और हमने मंडी शुल्क घटाकर 50 रुपए कर दिया है। इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, लेकिन अगर कोई व्यापारी किसान को अच्छे दाम देगा और किसान अपने गांव में फसल बेचना चाहता है तो बेच सकता है। मेरे प्रदेश के किसान भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया किसानों की आय दोगुना करने कई कदम उठाए, 3 किसान कानून बनाए गए। आज मैं यही किसानों की पंचायत में आपसे भी पूछना चाहता हूं, मध्यप्रदेश के किसानों से पूछना चाहता हूं, पहला किसान कानून ये है कि किसान की मर्जी वो जहां चाहे बेचे, वो मंडी में चाहे मंडी में फसल बेचे। और मैं घोषणा कर रहा हूं शिवराज सिंह चौहान, मंडी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी। अरे हमने तो मंडी शुल्क ही घटा दिया, धन्नी कर दिया। अरे मंडी बंद नहीं होगी, मंडी चलेंगी, मंडी जारी रहेगी। लेकिन अगर मंडी के अलावा कोई व्यापारी किसान को अच्छे दाम दे रहा है और वो अपने गांव में फसल बेचना चाहता है तो बताओ उसको बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? भैया तकलीफ क्या है किसी को? मंडी में जाओ तो मंडी में बेचो। और कोई घर पर ही लेने आ रहा, पहले क्या होता था, मंडी क्षेत्र के बाहर अगर बिना मंडी के बेचा तो ट्रक पकड़ लो, मत जाने दो, मंडी टैक्स की चोरी हो रही है। अरे तुम कौन होते हो रोकने वाले? हमें मंडी में बेचना, मंडी में बेचे, बाहर बेचना, बाहर बेचे, ये किसान की मर्जी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।